हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 16 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। फर्स्ट शक्ति बिल और सामने लिखा है मध्य प्रदेश। सेकेंड इज दिशा एक्ट एंड आंध्र प्रदेश। एंड थर्ड वन इज रोशनी एक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। शक्ति बिल जो है, ये तीनों बिल या एक्ट जो है वो अभी न्यूज में रहते हैं। शक्ति बिल जो है वो रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया है, तो शक्ति बिल इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये शक्ति बिल है क्या, ये एक एंटी क्रिमिनल बिल है विच प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी एंड फाइन अप टू ₹10 लाख फॉर क्राइम्स सच एज रेप, एसिड अटैक एंड डेरोगेटरी मटीरियल और सोशल मीडिया अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन। तो मतलब ये वुमन एम्पावरमेंट या चिल्ड्रन एम्पावरमेंट के लिए उनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए ये शक्ति बिल जो है पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इट इज सिमिलर टू दिशा एक्ट इन आंध्र प्रदेश। ये सेम टाइप का एक्ट जो है वो रिसेंटली कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश के अंदर बना था और उस एक्ट का नाम था दिशा एक्ट। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है। और रोशनी एक्ट, आप सबको पता है कि इट इज अ लैंड लॉ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको रिसेंटली वहां की जो हाई कोर्ट है उन्होंने वॉइड डिक्लेयर किया था। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, Which of the following statement is or are correct about retrospective taxation? First, it allows a country to impose taxes on certain products, items or services and deals and charge companies from a time before the enactment of the law. Second, these kind of routes are used to correct policy loopholes. तो चलिए देखते हैं correct answer क्या होगा। Correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर डेट पे ये टैक्स से रिलेटेड कोई लॉ बनाया गया है, लेकिन ये लॉ जब बना था और गवर्नमेंट को अगर मान लो किसी कंपनी के साथ कोई टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है और उस कंपनी ने ये लॉ बनने से पहले कोई टैक्स इवेड किया था, मतलब कि उनके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी थी वो उन्होंने पे नहीं किया, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हमने लॉ बनाया उससे पहले भी अगर आपके ऊपर वो टैक्स लगता था तो आपको वो टैक्स जो है वो पे करना होगा। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी जो है उन्होंने सर्टेन लूप होल्स को यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बचाई है वर्थ ₹100 करोड़। अब आप मान लो कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर केस पे इन्वेस्टिगेट करती है और गवर्नमेंट को मालूम चलता है कि हमारी ही पॉलिसी जो है उसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स के लूप होल्स थे जिसको यूज करके कंपनी ने इसका फायदा उठाया है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉ बनाएगी। सो द गवर्नमेंट इनेक्ट्स अ स्पेसिफिक लॉ। अब उस लॉ के अंदर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्लॉज ऐड करना होगा, जिसकी वजह से लॉ बनने से पहले भी अगर इस टाइप का कोई क्राइम हुआ हो तो उसके बेसिस पे भी आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। इसको क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू करेक्ट सर्टेन पॉलिसी लूप होल्स। तो ये सेकेंड जो है वो भी करेक्ट हुआ। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर इस पैराग्राफ में लिखा है, रिसेंटली जो इंडिया और वोडाफोन कंपनी के बीच में जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन जो है उन्होंने वोडाफोन कंपनी के फेवर में ये अपना फैसला दिया था, तो ये केस जो है वो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के मामले में था, तो इस वजह से ये पूरा टर्म जो है वो न्यूज में है। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम एंड में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, इंडिया इज द ओनली कंट्री
इन साउथ एशिया दैट हैज इनिशिएटेड डीरेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक. सेकेंड, इन इंडिया सच मूवमेंट्स फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर्स आर ओनली सीन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया कि जिसने एग्रीकल्चर का डीरेगुलेशन जो है इस टाइम पे इनिशिएट किया है. ये जो कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है इसमें ये लिखा है, आपको पर्टिकुलरली इस पैराग्राफ में मिलेगा. साउथ एशिया की और दो कंट्री का एग्जाम्पल भी दिया है. फॉर एग्जाम्पल कि यहां पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल है. पाकिस्तान एट द हाइट ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन इन मे दिस ईयर द गवर्नमेंट इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक टू फर्दर डीरेगुलेट एग्रीकल्चर इन द कंट्री. स्पेशली वहां का जो व्हीट मार्केट है उसको डीरेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. श्रीलंका का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि श्रीलंका का जो नेशनल बजट था पास्ट फॉर 2021, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलोकेशन जो है वो काफी कम था. सो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री इन द साउथ एशिया कि जिसने एग्रीकल्चर को डीरेगुलेट करना इनिशिएट किया है. सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है. यहां पे ये लिखा है कि फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स, तो ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही देखने को मिल रहा है. इसके अंदर हकीकत जो है वो कुछ और है. इस पैराग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर कुछ सेवरल सिस्टम्स थी. फॉर एग्जाम्पल जमींदारी सिस्टम, महालवारी एंड रैयतवारी सिस्टम, तो इसके खिलाफ भी काफी सारे फार्मर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था. तो इसकी वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा. आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू. तो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि किस वजह से ये पूरा साउथ एशिया रीजन है वहां पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं. और ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स इंडिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं. इस वजह से इंडिया का फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा मीडिया कवरेज लेता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज क्लाइमेट गोल्स. फर्स्ट, द एमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इंक्लूडेड इंडिया अमॉन्ग 9 G20 कंट्रीज विच आर ऑन द ट्रैक टू अचीव देयर कमिटमेंट्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट्स. सेकेंड, इंडिया इज वेरी नियर टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 100 GW सोलर एनर्जी कैपेसिटी. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. ये जो रिसेंटली UNEP ने एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश किया था उसके अंदर इंडिया जो है इट इज अमॉन्ग द 9 G20 कंट्रीज जो कि सही ट्रैक पे है अपनी कमिटमेंट अचीव करने के लिए अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. इंडिया के लिए ये भी कहा जाता है कि इंडिया विल नॉट ओनली फिनिश इट्स कमिटमेंट्स बट इंडिया विल सरपास इट्स कमिटमेंट. मतलब कि इंडिया ने जो ऑलरेडी कमिट किया है ना, तो इंडिया सिर्फ वो टारगेट पूरा करेगा लेकिन इंडिया उस टारगेट से भी आगे निकलेगा. तो इस वजह से ये रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर अपनी स्पीच देके आए हैं वो स्पीच काफी न्यूज में है. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इस आर्टिकल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों फैक्ट जो है वो इसी आर्टिकल में है कि किस तरीके से इंडिया के स्टेप्स जो है उसकी वजह से इंडिया बेनिफिट तो ले रहा है लेकिन और भी सस्टेनेबल स्टेप्स लेने चाहिए. और यहाँ पे एक ये भी फैक्ट आपको मिलेगा कि अचीविंग 100 गीगावाट का जो टारगेट है वो अभी काफी दूर है बिकॉज करंटली इंडिया की जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो 36 गीगावाट है. तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे जिसके सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं. सो द आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट. इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ कार्बन सिंक बाय 2030. फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी. सेकेंड, इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट सिस्टम. एंड थर्ड, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटीज. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. ये तीनों बेनिफिट्स करेक्ट है. बाय क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक, इंडिया के कार्बन सिंक का टारगेट क्या है, बाय क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम अचीव कर सके उतना कार्बन सिंक जनरेट करना, जिसकी वजह से हमारा नेट कार्बन एमिशन जो है वो कम हो। तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, क्लाइमेट सिस्टम जो है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करेगा, और हमारी जो कम्युनिटीज है उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इजीली मिलेंगी। और ये तीनों बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। दिस इज अ की गोल गिवन दैट इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। फर्स्ट, दीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर दैम। सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी एंड पैटर्नेज ऑफ स्टेट्स ओवर ऑल इंडिया सर्विसेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे ये ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर तीन ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये तीनों के ऊपर जो इमीडिएट कंट्रोल होगा, फॉर एग्जाम्पल कि ट्रांसफर करना है, सस्पेंड करना है, ये सब चीजें, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती, लेकिन अल्टीमेटली उनका कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकेंड इज करेक्ट। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ओवर द ऑटोनॉमी एंड पैटर्नेज ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये करेक्ट है, आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो अभी ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है वो इसलिए न्यूज में है बिकॉज जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के साथ अभी ये जो क्लैश चल रहा है। तो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ IPS ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल में से डिमांड किया था और स्टेट गवर्नमेंट हैज डिनाइड टू गिव दोज IPS ऑफिसर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिखा है द बैटल बिटवीन TMC एंड BJP शुड नॉट टर्न इनटू सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो इस वजह से ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के जो बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following statement is or are correct about nutritional data of National Family Health Survey 5th? First, majority of states or union territories have seen improvement in the prevalence of acute malnutrition. Second, most states and union territories have seen increase in overweight or obesity prevalence among children and adults. And third, anemia levels among children and women have worsened. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये तीनों फैक्ट जो है वो आपको ये कल के न्यूज़पेपर्स में से मिलेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर कुछ फैक्ट दिए गए थे और उसको एनालाइज किया गया था। तो यहां पे लिखे है कि ऑफ द 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ सीवर अक्यूट मालन्यूट्रिशन इन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड से कंपेयर करें तो मतलब कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट लिखी है, इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। अगर हम ओवरवेट एंड ओबेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट मिलेगा, मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑल्सो सी एन इंक्रीज इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी प्रेवलेंस अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, वंस अगेन ड्रॉइंग अटेंशन टू द inadequacy ऑफ diets इन इंडिया। तो मतलब कि ये सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, चिल्ड्रन एंड वुमन दोनों के अंदर जो एनेमिया लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है। एनेमिया लेवल्स अमॉन्ग बोथ चिल्ड्रन एज वेल एज वुमन हैव इंक्रीज इन मोस्ट स्टेट्स विथ अ डिक्लाइन इन एनेमिया अमॉन्ग चिल्ड्रन बींग सीन ओनली इन 4 स्टेट्स। तो मतलब कि आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। और भी काफी सारे फैक्ट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं, तो ये सारे फैक्ट जो है उसके ऊपर से आप ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, इक्वलाइजेशन लेवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2016 विद द इंटेंशन ऑफ टैक्सिंग टेलीकॉम कंपनीज. सेकेंड, द रिपोर्ट ऑफ अखिलेश रंजन टास्क फोर्स ऑन इनकम टैक्स एक्ट सजेस्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इंडिया के अंदर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसका इंटेंशन जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को टैक्स करना था. इट्स इंटेंशन वॉज ऑफ टैक्सिंग ई कॉमर्स कंपनीज विच आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, विच आर आउटसाइड इंडिया बट आर गेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया. मतलब कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया के बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में से उनको प्रॉफिट मिलता है, तो ऐसे प्रॉफिट्स के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगा के गवर्नमेंट ने हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको इक्वल ट्रीट किया, इसलिए इसे कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहां पे लिखा है कि ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए बना था. ये फैक्ट जो है, ये जो मैंने आपको बताया था कि इस आर्टिकल में आपको मिलेगा, द इक्वलाइजेशन लेवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2000. और अखिलेश रंजन टास्क फोर्स कमिटी की बात करें तो ये आपको यहां पे मिलेगा इस लास्ट पैराग्राफ में. अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाई, उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट जो है वो किसी भी पब्लिक डोमेन पे पब्लिश नहीं किया. अब किसी को पता नहीं कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या था, अगर वो रिपोर्ट पब्लिश किया होता तो उसके ऊपर डिस्कशन होता. अगर मान लो कि वो रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो सजेशन दिया है वो गलत है. सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू. तो ये आर्टिकल जो है वो बेसिकली ये कहता है कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंडिया को अपने टैक्स पॉलिसीज जो है उसके ऊपर किस तरीके से चेंज लाना चाहिए जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिले. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट शोर टेम्पल. अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर्स हैं. फर्स्ट, द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात इज नोन एज शोर टेम्पल एज इट इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी. सेकेंड, इट हैज बीन बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है. शोर टेम्पल जो है इट इज लोकेटेड इन दी महाबलीपुरम और ममलापुरम इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये शोर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है, वहां का जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे ये लोकेटेड है शोर टेम्पल. तो मतलब कि ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हुआ. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. इट हैज बीन बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली आपको साउथ इंडिया के पार्ट में देखने को मिलता है. अब यहां से आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा कि गुजरात में है तो मतलब द्रविडियन स्टाइल के चांसेस काफी कम है, तो इस वजह से दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट होना था. सो द करेक्ट इज बी, सेकेंड ओनली. शोर टेम्पल रिटर्न टू नॉर्मल सी, ये आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है. क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. सेकेंड, ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्स आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट. एंड थर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, 1 एंड 3. सेकेंड इज इनकरेक्ट. पोस्टल बैलेट की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है उसके अंदर कुछ सर्टेन कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है कि ये सब जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं. तो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर कोई भी जवान है वो अपने वोट दे सकता है पोस्टल बैलेट के थ्रू. अब यहां पे क्या लिखा है, ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स. तो ये ऑल द वर्ड जो है वो काफी एक्सट्रीम वर्ड है. ओरिजिनल फैक्ट ये है कि आर्म्ड पुलिस फोर्स में अगर मान लो स्टेट के बाहर आपका पोस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू गुजरात और आपका पोस्टिंग जो है वो राजस्थान में है, तो आप राजस्थान से पोस्टल बैलेट के थ्रू गुजरात में वोट दे सकते हैं. और यहां पे ऑल द वर्ड है इसलिए ये गलत होगा. थर्ड जो है वो करेक्ट है.
कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि इंडिया के आउटसाइड पोस्टेड है और उनकी स्पाउस जो है वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। सो द आंसर इज सी, 1 एंड 3। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको एक टीम बनानी होगी और फिर वो टीम जो है वो ये बैलेट्स को कलेक्ट करके प्री डिटरमाइंड डेट पे सबमिट करेंगे। तो इस वजह से ये पोस्टल बैलेट जो है वो न्यूज़ में रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।